वजह से। सिटी हो गई भाई बंद, कर लेते हैं मशीन को स्टार्ट। घर में बहुत है भाई, करते हैं पहले ऐसी कोई शुरू। ये हो गया भाई ब्लोअर का, ये भाई कूलिंग का है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राजेश आपका अपने न्यू व्लॉग में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, जगा जगा होंगे। क्या कर रहे हो मेरे भाइयों? भाई साहब आज आपको पता है भाई हुई है थोड़ी थोड़ी बारिश, तो भाई देखते हैं बारिश के अंदर भाई कचरे को हम छिड़काने वाले हैं ऊपर। तो भाई बारिश के अंदर भाई भिगा हुआ कचरा भाई कितना उड़ता है भाई, कितनी कंक निकलती है, आखिर से रेटर दर्दता है कि नहीं दर्दता है भाई, कितनी बारिश हुई है, सारी भाई बात करने वाले है आज इसी व्लॉग में। भाई सारी आपको दिखाई देगी भाई क्या क्या होता है, कितनी मशीन के आगे कंक आएगी आएगी नहीं आएगी, सारी भाई आज दिखाने वाला हूँ मैं। और भाई आपको तो पता ही है एक बात, जिन भाइयों ने भाई सब्सक्राइब नहीं किया भाई यार वो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो भाई। चलो भाई ठीक है, करते हैं वो लोगों को कंटिन्यू। मैंने भाई आपको इसके बारे में नहीं बताया भाई, मेन यही है इससे भाई, इसको ऊपर करके ऐसे आगे की तरफ करेंगे तो भाई मशीन चलेगी आगे, और भाई ऊपर करके पीछे की तरफ करेंगे। ग्रीसिंग का काम भाई हो गया कम्प्लीट, ग्रीस कर दिया भाई हमने, थोड़ा एयर कैलेंडर से ऑफ कर लेते हैं भाई डब्बी। डाल लेते हैं भाई एक नंबर, क्योंकि कचरे में मशीन को एक नंबर में चलाना चाहिए ताकि उसमें क्या सिलू रेस में मशीन चल सके भाई आसानी से। भाई पूरा पसीना पसीना हो गया, ग्रेस किया ना भाई, बाहर बहुत गर्मी तेज है इस वजह से।
भाई कम उड़ रही है क्योंकि ये भिगा हुआ है ना कतरा, इस वजह से भाई। देखो भाई आगे सेब पर भी ज्यादा कंक नहीं है, शीशे पर भी ज्यादा कंक नहीं है। नहीं तो भाई उस दिन आपने देखा था ना कितना कचरा उड़ रहा था कितना। हाँ देखो आले कचरे का इतना फर्क है भाई। भाई ट्रैक्टर से कचरा चलाया जा रहा है ऊपर। तो जी महाराज की है नेम्यू, उसके उपलक्ष में भाई बना है अपने लिए चूरमा। ये देखो भाई दाल बाटी की तरह भाई चूरमा बना है। इधर चूरमा और भाई खीर का स्वाद बनेगा भाई, यार तो बहुत ही टेस्ट, खाने में आनंद आ जाएगा भाई। खाना खा के फिर ही काम करेंगे। आधे और हम खाना खा रहे हैं भाई, खाने का टाइम है अभी। मस्त है वाह। आ रहे हैं भाई नंदू को चेक करवाने के लिए, इसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। हाँ डॉक्टर कन कौन सा ला। देखो इसकी तबीयत भाई बहुत ही खराब है, थोड़ी इसको दवाई वाई खिलाएंगे उससे थोड़ी ठीक हो जाएगी। ताव बहुत ज्यादा चढ़ गया इसको, ताव ज्यादा चढ़ा ना। हाँ तो दवाई दे देंगे तेरे को, सुई कौन दे रहा हूँ थारे डॉक्टर का कौन सा नाम है, दवाई ला खा लिया है ठीक है। लिया दवाई से नंदू के लिए भाई, बच्चों को ये जरूरी है दवाई हो कि नहीं हो। ये छोटा लिया है, बाकी दवाई ले ली भाई यहाँ पर। ये देखो दवाई ले ली है भाई हमने, अब चलते हैं भाई घर। ये भाई खाना खाने के बाद हम हो गए शुरू, टाइम तो काफी हो गया, 5:30 हो रहे हैं भाई। बीच में थोड़ा नंदू को दिखाने चले गए थे, इस वजह से भाई हो गए थे थोड़ा लेट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा ही काम है अभी निपटा देंगे भाई इसको। हाँ तो भाई आए हुए अपने नए मेहमान बड़े भाई साहब, अपने सबसे बड़े भाई साहब यही है भाई, अल्लाह ही कर रहे हैं भाई। भाई भाई दोनों